हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ भाविया चावला एंड इस बार मैं आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लाई हूँ। ऑलराइट, सो ये वीडियो है अपने बालों के बारे में। सो लॉन्ग बैक व्हेन आई मेड दैट वीडियो अबाउट माय हेयर रूटीन एंड ऑल, सो मैंने वहाँ पे मेंशन किया था कि आई यूज़ अनियन एंड कोकोनट मिल्क का एक मिक्सचर। सो दिस वीडियो इज़ अबाउट दैट। सो उसको पूरा देखिए इस वीडियो को, ओनली देन यू कैन गो थ्रू दिस प्रॉपरली, क्योंकि फिर आपको बहुत सारे डाउट्स आएंगे। सो इस वीडियो में मैंने बराबर बोला है सब कुछ, सो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। ऑलराइट गाइस, अभी मैं एक हाफ कोकोनट लूँगी और उस कोकोनट को मैं अच्छे से ग्रेट कर लूँगी, बिल्कुल ऐसे। और इस ग्रेटेड कोकोनट में मैं 2 स्पून्स हॉट वाटर डालूँगी और इसको मैं अच्छे से सोख होने दूँगी। अभी मेरे इस मिक्सचर को मैं एक हल्के कपड़े में निकालूंगी और उसमें से जो भी दूध निकलता है वो मैं निकाल के रख दूंगी। अभी आप देख सकते हो हमारा जो कोकोनट मिल्क है वो एकदम रेडी है। इसको मैं साइड में रख दूंगी और अभी मैं एक ऑनियन लूंगी और उस ऑनियन को मैं एक मिक्सचर में डालूंगी अच्छे से ग्राइंड होने के लिए। अभी आप देख सकते हो मेरा जो ऑनियन है वो अच्छे से ग्राइंड हो चुका है। अभी इसको भी मैं एक हल्के से कपड़े में डाल के इसका पानी निकाल दूंगी। अभी आप देख सकते हो इसका पानी। अभी जो हमारे पास कोकोनट मिल्क था उसको हम इस ऑनियन के पानी में डाल के दोनों ही मिक्सचर को मिला देंगे। और अभी हमारा जो ऑनियन और कोकोनट मिल्क का जो मिक्सचर था वो रेडी है। अभी लगाने वक्त हमको ये ध्यान में रखना है कि हम इसको ज़्यादातर स्कैल्प पे ही लगाएं। स्कैल्प पे लगाने से ये मिक्सचर हमारे स्कैल्प को रीग्रोथिंग के लिए बहुत हेल्प करेगा और हमारे रूट्स को भी अच्छा मॉइस्चर देगा। तो अभी मैंने अच्छे से लगा दिया है और अभी इसको मैं एक बन बना के बन हार के लिए रख दूंगी। ऑलराइट, सो आई एम जस्ट बैक फ्रॉम माय शावर, मतलब मैं अभी नहा के आई हूँ एंड दिस इज लाइक रियली रियली बैड। मैं रात के इट्स अराउंड 11:45 में नहाई हूँ अभी, बट जस्ट कांट हेल्प। एंड अभी मैंने सिर्फ बालों में पानी डाला है, मैंने शैम्पू यूज़ नहीं किया है, दैट इज़ वॉट यू वॉन्ट टू डू। ये जो अनियन है उसको लगा के थोड़ी देर मतलब एक मैंने अराउंड 10 o'clock को शुरू किया था अनियन लगाना। मैं 1 hour उसको लगा के बैठती थी एंड 1 hour उसके लगाने के बाद मैं नहाने गई एंड नहाने के बाद मतलब मैं वापस आई हूँ। और सो यस, सो अभी मैं इसको थोड़ी देर ऐसे सूखने दूंगी एंड या पूरी रात आई थिंक इसको ऐसे रहना चाहिए। आफ्टर दैट मैं कल सुबह जब भी उठूंगी आई विल टेक अ नाइस शावर विद माय शैम्पू। एंड याद रखे इस टाइम पे आप चाहे तो कोई स्ट्रॉन्ग शैम्पू यूज़ करें बिकॉज वो आपके बालों में अगर किसी चीज़ को पसंद नहीं आता ना, वो अनियन का स्मेल रहता है तो मोस्टली नहीं रहेगा, बट इफ़ यू स्टिल फील कि नहीं यार अनियन का स्मेल है तो डू नॉट वरी, आप उसको निकाल सकते हो। जस्ट यू यूज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग शैम्पू जिसका बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल रहता है, आई विल हेल्प यू। अदरवाइज आई प्रिफर, क्योंकि मैं आजकल घर पे हूँ सो मुझे नहीं लगता यूजिंग स्ट्रॉन्ग शैम्पू इज़ समथिंग गुड। मुझे मतलब उसकी यूज़ नहीं लग रहा, मुझे उसका यूज़ नहीं लग रहा। और इसके लिए मैं
अभी मतलब मैं कल एक बहुत ही लाइट शैम्पू यूज़ करूँगी, और जो मैंने ऑलरेडी बोला है मेरे लाइट शैम्पूज जो होते हैं पतंजलि नहीं तो बायोटिक, यू कैन गो फॉर देम। ऑलराइट गाइस, सो आई होप यू गाइस अंडरस्टूड दैट। ऑलराइट, मैं आपसे कल मिलती हूँ, बाय बाय। हाय गाइस, सो ये बज चुके हैं दोपहर के 2 बजे एंड मैं अभी नहा के आई हूँ बिकॉज 1 आवर पहले ही मैं उठी थी। सो यस, सो अभी मैं नहा के आई हूँ, तो अभी मेरे बालों में से ऑलमोस्ट वो खुशबू चली गई है एंड थोड़ा बहुत बहुत थोड़े रफ लगेंगे आपको स्टार्टिंग में आपके बाल, बट गिव इट अ नाइस ड्राई एंड अगर फिर भी आपको रफ लगे तो नो प्रॉब्लम, यू हैव टू गो फॉर 2-3 वॉशेज मोर एंड देन आपके बाल ठीक हो जाएंगे। आई नो 2-3 वॉशेज कुछ ज़्यादा होते हैं, बट देन अभी कुछ कर नहीं सकते बिकॉज दिस रियली रियली हेल्प्स योर हेयर, सो दैट्स वाई। एंड अभी आप घर पे बैठे हो, सो आई डोंट थिंक सो एनी वन इज़ गोना केयर अबाउट योर हेयर, आई मीन कि आप कैसे लग रहे हो, आई वेल दैट। तो अभी क्वारंटाइन है, कोई ज़्यादा बाहर नहीं जाने वाला है, सो आई थिंक ये कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं रहने वाला है हम सब के लिए, क्योंकि हम लोग घर पे बैठे हैं। सो यू कैन डू दिस टू योर हेयर बिकॉज दिस रियली रियली प्रोटेक्ट्स योर हेयर, जिन जिनके बाल गिर रहे हैं और जिनके बाल नहीं भी गिर रहे हैं, ये जो रेमेडी है वो आपके बालों को एकदम सॉफ्ट बना लेता है। अगेन आई वॉन्ट टू मैंशन दिस कि ये सिर्फ लड़कों के लिए, आई मीन सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है, दिस इज़ ऑल्सो फॉर द बॉयज़। सो अगर आपके भी बाल गिर रहे हैं या फिर बहुत रफ हो रहे हैं, गो फॉर दिस। अगर हो सके तो ऐड सम सॉरी आंवला का पानी, ओके, दिस ऑल्सो इज गोना हेल्प यू। बट अगर आपके पास नहीं है, गो फॉर द कोकोनट एंड द अनियन मिक्सचर, इट इज़ गोना गिव यू ग्रेट ग्रेट रिजल्ट्स। ऑलराइट गाइस, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो एंड please let me know through the comment section if you have any doubt. Also, like my video, subscribe my channel and hit the bell button. Bye bye.